मैं ओम प्रकाश खजूरिया, आज की हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका मेन मोटिव ये है कि हम एक प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं MGR 47 की तरफ से, कि जितने भी रिफ्यूजी बस्तीस हैं, जितने भी रिफ्यूजी कैंप्स हैं, उन सभी कैंपी में 100 से ज़्यादा रिफ्यूजी बस्तियाँ और कैंप्स हैं, उनमें हम जाके हमारे जो एजुकेटेड यूथ हैं उनको हम उनके डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में हम बताने निकले हैं। इशू ये है कि 1947 में जब हम वहाँ से माइग्रेंट होके डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद से, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर से और डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हमारी जो माइग्रेशन डिस्ट्रिक्ट जम्मू में होगी या डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में होगी, तो उस दौरान हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिफरेंट एरियाज़ में जो खाली जगह पड़ी थी वहाँ पे रिफ्यूजी कैंप्स लगाए गए थे, उन कैंपों की हालत आज एज इट इज़ है। उन रिफ्यूजी कैंपों में आज भी 70 साल के बाद भी ये लोग रिफ्यूजी कैंपों में रह रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, उस समय तंबू लगा दिए गए थे, आज वहाँ पक्के मकान हैं, बट ओनरशिप राइट इन लोगों को नहीं है, जिसकी वजह से हम हायर एजुकेशन से, हमारे बच्चे हम हायर एजुकेशन से डिप्राइव ऑफ हैं। क्योंकि बैंक के हायर एजुकेशन के लिए जब हम बैंक के पास जाते हैं, किसी भी बैंक के पास एजुकेशन लोन के लिए, क्योंकि हमें एजुकेशन लोन वहाँ नहीं मिलता, उसका कारण यह है कि हमारे पास, हम कहते हैं कि हमारे पास 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए की मेहनत करके हमने एक पक्का मकान बना दिया है, बट ओनरशिप राइट ना होने की वजह से वो प्रॉपर्टी हमारी मॉर्गेज नहीं होती है, बैंक से हमें लोन नहीं मिलता है। आज भी अरसपुरा से, सतवारी से लेकर अरसपुरा तक जो ओल्ड रेलवे लाइन है, वो जो उस समय महाराजा के समय 1947 से पहले जम्मू से सियालकोट रेलवे लाइन चलती थी, उस रेलवे लाइन के ऊपर आज भी 1 लाख से ज़्यादा लोग रह रहे हैं, बट वो होमलेस हैं। होमलेस इसलिए क्योंकि उस रेलवे लाइन के वो प्रॉपर्टी रेलवे की है, और जब हमें, हम कहीं भी मकान बना के हम कहीं लोन की बात करते हैं तो हमारे पास ओनरशिप राइट नहीं है। इतना बड़ा इनजस्टिस इस डेमोक्रेटिक कंट्री में जब हमारे साथ हो रहा है, तो हम, हमारा ये मिशन आज लेके निकले हैं कि जितनी भी रिफ्यूजीज कैंप्स हैं, बस्तियां हैं, वहां जाके हम यूथ को और लोगों को आगाह करेंगे कि हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स की वायलेशन हो रही है, हमारे सोशल राइट्स की वायलेशन हो रही है, हमारे इकोनॉमिक राइट्स की वायलेशन हो रही है। इस इकोनॉमिक, इस डेमोक्रेटिक राइट्स के वायलेशन के खिलाफ एक आवाज़ खड़ी करो, आवाज़ बुलंद करो, ताकि इस राज्य और केंद्र सरकार को जब पता चले कि इतना बड़ा इनजस्टिस इन 12 लाख लोगों के साथ पिछले 70 साल से हो रहा है और हम लोग इस इनजस्टिस को अभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही मिशन लेके हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जो बैक टू विलेज की जगह बैक टू रिफ्यूजी कैंप, बैक टू रिफ्यूजी बस्ती, ये प्रोग्राम है। धन्यवाद। सुशांत सिंह है, मैं MGR 47 मूवमेंट फॉर जस्टिस फॉर रिफ्यूजीज ऑफ 1947 का चीफ स्पोक्स पर्सन हूँ। आज की हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसका मेन मकसद ये है कि पिछले 70 साल गुजर जाने के बाद भी हमें जो इंसाफ दिया जाना चाहिए था आज तक वो हमें नहीं मिला। वहाँ से मुजफ्फराबाद हो, पुंछ हो या मीरपुर हो, वहाँ से जब हम घरों से निकाल दिए गए थे, बड़ा भारी जीनोसाइड हुआ था, कत्लेआम हुआ था, लोग मारे गए थे, जो औरतें थी बेवा हो गई थी, बच्चे यतीम हो गए थे, जब यहाँ पहुँचे हाउसलेस थे, होमलेस थे, शेल्टरलेस थे, पैसा कोई नहीं था। 70 साल से स्ट्रगल करते आ रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट जो है भारत वर्ष की या स्टेट गवर्नमेंट, इन्होंने हमें किसी किस्म की मदद नहीं दी, और कहीं हमें ज़मीनें दे दी गई, यहाँ बैठो खेती करो और खाओ, उसके भी पैसे हमसे ले लिए गए। अगर कुछ लोग जो शहरों में रहे उनको क्वार्टर दिए गए, वो भी उसके लिए भी हमें कीमत, हमसे कीमत ले ली गई। और मज़े की बात तो ये है, आज 70 साल गुजर जाने के बाद आप सुचेतगढ़ से लेकर आरसपुरा में जो ओल्ड रेलवे लाइन थी उसके ऊपर लोग बैठे हुए हैं। आज भी हमारा एड्रेस रेलवे पटरी है, अच्छे अच्छे मकान तो अब हमने मेहनत से बना लिए हैं, लेकिन उसके प्रॉपर्टी राइट हमारे पास नहीं है। हमें अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम हर असेंबली में, पार्लियामेंट में हमारा नुमाइंदा भेजें, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी परसिस्टेंट डिमांड की वजह बावजूद जो 8 सीटें हम मांग रहे हैं, क्योंकि हमारे 12-13 लाख लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो हमें नहीं मिलती। इसलिए हमारी पॉलिटिकल जो डेलिनेशन हो गई है, हमारे साथ वो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, पार्लियामेंट में हमारा नुमाइंदा कोई नहीं है। और जो 2 बड़े क्लियर कट पैकेज बहुत बड़ी लड़ाई के बाद एक स्टेट गवर्नमेंट ने भेजा था और एक पार्लियामेंट्री पैनल ने दिया था, वो भी हमें दिया नहीं गया। नतीजा ये है कि आज भी हम 70 साल के बाद DPs ही खिला रहे हैं,
और रिफ्यूजी बने हुए हैं, इसके खिलाफ हमने ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। क्योंकि हम तीसरी जनरेशन में हैं, इस वक्त चौथी जनरेशन में हैं, हम गांव-गांव में जाएंगे, अपनी 100 से ज़्यादा जो बस्तियां उस वक्त बसी थी आज भी वो कैंप्स के नाम से जानी जाती हैं, वहां जाकर अपने जो यंगर जनरेशन है उनको एजुकेट करेंगे कि हमारे राइट क्या थे, हमारे हकूक क्या हैं और गवर्नमेंट ने हमें क्या देनी चाहिए। हमारी मांग तो सिर्फ इस वक्त यही है कि जो दो पैकेज सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजे गए हैं उसके मुताबिक हमें वो पैकेज कम्प्लीट सैंक्शन किए जाएँ और हमें रिहैबिलिटेट किए जाए। थैंक यू।